अनंत विजय साहब, लेकिन ये आशंकाएं, ये चर्चाएं इसलिए ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये शरद पवार साहब के साथ हो सकता है। उनके साथ हुआ तो आज लोग बात करने लगे हैं, देखो अभी कांग्रेस भी टूटेगी, जैसा अभी एक मंत्री ने दावा कर दिया महाराष्ट्र में। लालू यादव कह रहे हैं बिहार में ऐसी बातें होने लगी हैं। लोग कर्नाटक की बात करने लगे, अभी कर्नाटक में देखिए क्या होगा, कितनी सच्चाई आपको हकीकत इन दावों में लगती है। अब ये तो हर इस तरह के घटनाक्रम के बारे में ये टाइप बयान आते हैं और मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी हम लगातार देखते ही रहे हैं। दो तीन बयान आते हैं, एक तो ईडी सीबीआई के प्रभाव में गया, वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर, और एक ये बयान जो लालू यादव जी दे रहे थे अभी कि हमारे सबसे बड़े नेता को तोड़ के। अरे लोकतंत्र में अगर विधायक टूटते हैं तो विधायकों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? उनको भी तो जनता के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है, वहां भी तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, चाहे 4 साल में देना पड़े चाहे 3 साल में देना पड़े। तो इन सब चीजों पर कोई विचार नहीं होता। हमारे यहाँ जिस दिन जनता नकारने लगी ऐसे दलबद्ध नेताओं को, तब इस समस्या का हल होगा। लालू जी जैसे जो जन नेता है उनको जनता को ये बात समझानी पड़ेगी। रही बात महाराष्ट्र की, तो आपको याद होगा सौरभ जी, कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपके शो पे ही हमने ये बातचीत की थी कि शरद पवार जी की सहमति के बिना ऐसा संभव नहीं हुआ। यही बातें राज ठाकरे जी भी आज कह रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल और इतने छगन भुजबल, ये जैसे लोग बगैर उनकी सहमति के कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद कल मैंने बहुत ध्यान से उनकी पुत्री सुप्रिया सुले का पूरा प्रेस परिषद सुना मैंने उनका, उसमें उन्होंने बहुत कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं कैमरे पे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, ये घर का मामला है, घर के मामला को सुलझा लिया जाएगा, और बहुत सब बहुत कोई तनाव में दिख ही नहीं रहा है महाराष्ट्र में। ये या तो महाराष्ट्र की राजनीति का ये ऐसा कालखंड है जिसमें तनाव बिल्कुल नहीं है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर न घबराहट है न तनाव है न किसी के प्रति दुर्भावना दिखाई देती है, सब हंसते मुस्कुराते ऐसे। और तो प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है और आज मैंने अपने गुरुदेव को फोन भी किया। जी हाँ, तो गुरुदेव मतलब शरद पवार जी, तो आज भी फोन पर बात हो रही है। तो ये सब चीजें बड़ी, देखिए फोन पे बात भी हो रही है और ये कहा गया कि हमने तो गुरु दक्षिणा दे दी उनको, एनसीपी को सरकार में सत्ता में हम दोबारा ले आए हैं, हमने तो गुरु का शिष्य का फर्ज पूरा कर दिया। फोन पर बात कर रहे हैं आपने जैसे कहा प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार, और शरद पवार ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने प्रफुल्ल पटेल को और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो पार्टी से निष्कासित भी कर रहे हैं और फोन पर बात भी कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे तो पार्टी से निकाल दिए गए शरद पवार यादव शरद पवार साहब की तरफ से, अजीत पवार को नहीं निकाल रहे। जो 9 मंत्री बैठ जिन्होंने शपथ ले ली कल, अबे सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल तो मंत्री नहीं बने, वो राजभवन में मौजूद थे। जिन लोगों ने शपथ ले ली वो अभी एनसीपी में है, उनको निष्कासित नहीं किया, इन दो लोगों को पहले निष्कासित कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।